आज की इस वीडियो में हम पूरी बायो इनऑर्गेनिक को एक साथ कवर करने वाले हैं, तो मैंने कुछ टेबल्स बनाई हैं, वो टेबल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो एक सवाल बनता है मेटल, वो मेटल का फंक्शन आपसे पूछ लेगा या मेटल की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है उस पर एक सवाल पूछ लेगा। तो सबसे पहले सोडियम से शुरू करते हैं। सोडियम क्या करता है, सोडियम एसिड बेस जो होता है बॉडी के भीतर उसको बैलेंस करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है बॉडी का, और जो हार्ट बीट होती है उनको मेंटेन करता है। सोडियम की डिफिशियंसी की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और सर्कुलेटरी फेलियर हो सकते हैं। अब आता है दूसरा है हमारे पास पोटेशियम। तो जब मैं पोटेशियम पे आता हूँ तो पोटेशियम क्या करता है, ये सोडियम की तरह एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है और पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। हाइपरकैलोनेमिया एक डिजीज़ है जो आपका किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका किसकी वजह से, पोटेशियम की डिफिशियंसी की वजह से। अब आते हैं हम अगला मेटल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो बहुत सारे एंजाइम में मिलता है, जैसे को कार्बोजिलेस एक एंजाइम है उसमें मैग्नीशियम एज ए मेटल मिलता है। क्लोरोफिल में सेंट एज ए, ये क्लोरोफिल में भी सेंट्रल मेटल की तरह एक्ट करता है। और अगर मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में कम हो जाए तो मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। और अब अगला है कैल्शियम। कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ बोन्स एंड टीथ, आपके दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड मसल, आपका हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका मसल में कॉन्ट्रैक्शन जो होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम। और कैल्शियम की कमी से आपका जो ग्रोथ रेट होती है वो ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगला जो मेटल आता है वो है आयरन। आयरन की अगर बात की जाए तो आयरन आपका हीमोग्लोबिन में मिलता है, मायोग्लोबिन में मिलता है, साइटोक्रोम में मिलता है और ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम भी करता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, कॉपर हीमोग्लोबिन्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है और बोन्स में ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये आयरन की तरह ऑक्सीजन कैरियर और ट्रांसपोर्टर का काम करता है और इसकी डिफिशियंसी की वजह से आपका एबनॉर्मल हेयर्स एंड बोन्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो वो कॉपर की कमी के वजह से होता है। अब अगला है आपका जिंक। अगर मैं जिंक पे आऊँ तो जिंक बहुत सारे एंजाइम में यूज़फुल होता है और ये हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिंक की कमी से आपका हेपेटाइटिस जो डिज़ीज़ होता है वो जिंक की कमी से होता है और क्रोनांस डिज़ीज़ जो है पेट की बीमारी उसकी वजह से, ये जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगला मेटल आता है हम आपका मैग्नीज़ आपका ब्लड को ब्रेक करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और बहुत सारे एंजाइम में एक्टिवेटर का काम करता है। सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी मैग्नीज रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी वजह से एबनॉर्मल स्केलेटन हो जाती है, मतलब आपकी हड्डियों का, शरीर का जो ढांचा होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अगर अब हम आएँ किस पे, अगला मेटल है क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है, शरीर में जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और अमीनो एसिड जो होती है उनको बॉडी में ट्रांसफ़र करता है और ये किसके लिए, इसकी वजह से आपका शरीर का वजन कम हो जाता है। अब आप आते हैं कोबाल्ट पे। कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में एज ए सेंट्रल मेटल मिलता है और रेड ब्लड सेल जो RBC कहलाता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से पिनिंग डिजीज़ होता है। अगला है आपका मोलिब्डेनम। अगर मैं मोलिब्डेनम में आऊँ तो मोलिब्डेनम यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए
बेहद ज़रूरी होता है। इसकी वजह से ये दो बड़े इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, एक है किसान डिजीज़ और किसान बिक डिजीज़ होता है। निकल की बात की जाए तो निकल बहुत सारे एंजाइम में मिलता है और इसकी वजह से कलर ऑफ बॉडी चेंज, शरीर का कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये पहला सवाल था, यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि मेटल उसका फंक्शन क्या है और उसकी डिफिशेंसी से कौन सा रोग होता है। अब आते हैं हम इसेंशियल और ट्रेस मेटल में। हमको पता है कि आपका जो आपकी इसेंशियल और ट्रेस मेटल है, आपके पास अभी तक जो साइंटिस्टों ने ढूंढे हैं उसमें 29 एलिमेंट हैं। 29 में से 13 आपके नॉन मेटल हैं और 16 आपके मेटल हैं। अब उनमें से जो ये इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट हैं इनको दो हिस्सों में बांटते हैं, एक इसेंशियल होता है एक नॉन इसेंशियल होता है। ये इसेंशियल वाले मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो मतलब हो गया जिनके वो शरीर को बॉडी को ज़्यादा नीड है, और माइक्रो जो जिनको जिनकी शरीर को हमारी बॉडी को कम ज़रूरत है। नॉन इसेंशियल मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, इसेंशियल जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। उनमें से है कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। मैं ये आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि यहाँ से सवाल बन सकता है कि आपको दे देगा कौन सा पेयर इनमें से इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल है। इस तरीके से अगर मैं इसेंशियल की दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपका ये माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट, उसमें कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम और आयरन हो गया। नॉन इसेंशियल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं उसमें बोरॉन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, वेनेडियम और टाइट्रेनियम, ये इसेंशियल और ट्रेस मेटल कहलाता है। और अब आखिरी चीज़ है मेटल एंड इट्स रोल इन बॉडी। अब कैल्शियम आपके बोन्स और टीथ में मिलता है, स्किन में मिलता है, ब्लड में मिलता है और नर्व सिस्टम में मिलता है। अगला जो मेटल है मैग्नीशियम, ये आपका बोन्स में मिलता है, सोडियम एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, आयरन ब्लड में मिलता है एंड उसके अलावा ऑक्सीजन कैरियर और स्टोरेज का काम भी करता है। फॉस्फोरस की बात की जाए तो वो बोन्स में, टीथ्स में, स्किन में, ब्लड में मिलता है। सल्फ़र की बात, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ़र मिलता है, सिस्टीन में, मेथिनीन में, इन सब में सल्फ़र मिलता है। क्लोरीन की बात करूं तो ये प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा सेल एंड मसल्स। कॉपर है फाउंड इन मसल्स, बोन एंड लीवर। मैग्नीशियम फाउंड इन लीवर एंड किडनी। कोबाल्ट की बात की जाए, विटामिन B12, जिंक, पूरे शरीर में आपका जिंक मिलता है। मोलिब्डेनम लीवर और किडनी में मिलता है। फ्लोरीन आपके बोन्स और टीथ में मिलता है और आयोडीन आपका थायरॉइड ग्लैंड में मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इतना अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो यहाँ से एक दो सवाल बन जाएंगे। इसके अलावा आपको सोडियम पोटेशियम पंप देखना है, एक और एक आयरन सल्फर प्रोटीन देखना है इसमें। हीमोग्लोबिन माइग्लोबिन का रोल तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया है। तो इतना बहुत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।